खोखला कर दिया है इन नशेइयों ने, जिस तरीके देख रहे हैं आप लोग। अच्छा, इसके हवाले से कुछ पुलिस की कुछ हिकमत अमली कुछ कार्रवाई नजर आई है, जिसके अंदर कुछ नशा पीने वाले अफराद को नूरियाबाद शिफ्ट कर दिया और कुछ पुलिस ने कार्रवाई की, तो आप इसके हवाले से बताएं कि नूरियाबाद में कहां किस मुकाम के ऊपर किस तरीके से हुआ है। जी नबी, शुक्रिया। देखिए, ये नशे जो नशे के आदि लोग हैं या जो मंशियात फरोग कर रहे हैं, वो लोग ही जो है कराची को खोखला कर रहे हैं। जो भी जितनी भी वारदातें हो रही हैं, मीटर चोरी की, छोटी मोटी जो भी बाहर से घर के बाहर से ले जाते हैं, वो नशे के आदि लोग ले जाते हैं, क्योंकि वो लोहा बेचकर और वो अपना नशा पूरा कर लेते हैं। तो ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के SSP मारूफ उस्मान की एक बड़ी कार्रवाई सेंट्रल के अंदर, उन्होंने ये टास्क जो है वो SP एयास हुसैन को दिया, जो लियाकताबाद के SP हैं, और उन्होंने अपनी टीम के साथ जो है TNT के पुल के नीचे और लियाकताबाद के पुल के नीचे इन नशे के जो आदि लोग हैं इनको हिरासत में लेकर ईदी होम नूरियाबाद शिफ्ट किया। और इसके अलावा जो है 9 अफराद जो है उनको गिरफ्तार किया, जिसमें से 2 खवातीन हैं जो मंशियात फरोशी के धंधे में मुलव्वस हैं। तो ये एक बड़ी कार्रवाई है डिस्ट्रिक्ट सेंटर ही, क्योंकि देखिए वजूहत ये थी कि बहुत ज़्यादा जो है खोखला किया जा रहा था, इनकी वजह से जो है खोखला हो रहा था कराची। यानी इतना आसान हो गया कि जो है पुरानी बाइक्स ले गए घर के बाहर के, लेटर्स ले बॉक्स ले गए, उसके अलावा जो है गैस के मीटर ले गए, तो बेच देते थे, बेच के अपने नशे को पूरा कर रहे थे। एक बहुत बड़ा इकदाम है SSP सेंट्रल का, और इसके ऊपर जो है उनकी सुपरविजन में SP लियाकताबाद की, ये बहुत ज़बरदस्त। और रहमान, यहाँ पर ना मेरे एक सवाल है, बिल्कुल मैं सवाल आपसे ये करूंगा, मुझे ये बताएं कि जिला सेंट्रल इतना बड़ा और गिरफ्तारियां चंद, नशे में डूब गया अफराद, नशे में डूब गया पूरा माशरा, घर तबाही और बर्बादी का शिकार होगा, लेकिन ये गिरफ्तारी इतनी कम क्यों होती है हर दफा? देखिए, बात यह है कि ये आपको पता है कि पुलिस की नफरी का, जो मैंने हमेशा आपसे कहा है, ये रोना रहा है पुलिस का ना, लेकिन उसके बावजूद देखें, कोई अच्छी हिकमत अमली अगर पुलिस की जानिब से की जाए तो उसको अप्रिशिएट किया करना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह यह है कि सेंट्रल में भी देखा हमने, वेस्ट में भी देखा, साउथ में दीगर ज़िलों में भी जो है वो कार्रवाइयाँ जारी हैं इनके खिलाफ, लेकिन आपकी जो कैपेसिटी है वो भी कम है ना, इनको कहाँ एडजस्ट किया जाए, तो ये भी पुलिस को देखना होता है, सारी चीज़ों को देखना होता है। फिर ये जाते हैं, फिर ये नशा मांगते हैं वहाँ पर, ये एक मुसीबत है। तो बहरहाल ये है कि पुलिस से जितना बन रहा है वो इस सिलसिले में कर रही है, और यही शायद कराची का सबसे बेहतरीन इकदाम होगा अगर पुलिस में कामयाब हो गई तो। जी अदा रहमान, बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी वाजे चीज़ें बताई हैं, और ये आप देख रहे हैं कि जिस तरह नशे में पूरा शहर डूब गया और घर के घर तबाह बर्बाद हो गए हैं।